अस्सलाम वालेकुम ग्रेड थ्री, कैसे हैं आप लोग? बेटा आज जो आप लोगों की इस्लामियात की क्लास है उसमें आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों ने किया है उसका ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेसिकली वर्कशीट के ऊपर था, लेकिन क्योंकि अभी आप लोग घर में हैं, आप सबके पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं होगी और ना ही मेरे पास इसका लिंक है कि मैं आपको सेंड करती, ठीक है। आपने ये काम अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना है, जैसे आप लोग ग्रेड टू में लिखते रहे, ठीक है। ट्रू फॉल्स हैं और मैदी कॉलम है, ये आप लोग कॉपी पर लिखेंगे और आपने इसको सॉल्व करना है। टॉपिक आप लोग ऊपर लिखेंगे, वही जो हमारा फर्स्ट चल रहा है तौहीद, ठीक है। डेट और डे लिखेंगे। फर्स्ट है अकीदा तौहीद का उल्ट शिर्क है, करेक्ट। अल्लाह के मुकद्दस बंदे नबी या रसूल कहलाते हैं, ये भी करेक्ट, ठीक है, इसको टिक करना है। इंसान कभी दोबारा जिंदा नहीं होगा, गलत। अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेंगे और वो जब चाहे जिंदा कर सकते हैं किसी भी इंसान को। शिर्क अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह है, जी बिल्कुल ठीक। कलमा तैयबा के तीन हिस्से हैं, गलत। आपको पता है कलमा तैयबा के दो हिस्से हैं, पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा है मुहम्मदुर रसूलल्लाह, ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आपने कॉलम मैच करने हैं, तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, पहले नबी हजरत आदम, योम कयामत को क्या कहा जाता है, योमुल हिसाब, आखिरी नबी कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह अकबर का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। यह आप लोगों का रिटर्न मार्क है। उसके बाद आप लोगों का एक और काम है, वो है ओरल, ठीक है, ज़ुबानी। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मालूमाती सवालात जवाब हैं जो आपने ज़ुबानी याद करने हैं, जो बाद में आपके पेपरों में आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी जो आप लोगों ने याद करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ज़रूरी नहीं एज इट इज़ आप याद करें, आप अपने अल्फाज में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपने ओरल याद करने हैं,